हेलो बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 8 में सूचकांक एवं निर्देशांक, इसके बारे में हमने आप लोगों को संक्षिप्त जानकारी हमने इसके पूर्व कक्षा में हमने आपको दे चुके थे। अब हम आगे देखेंगे कि इसको हमको क्या करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पर हमने उसके पहले भी हमने आपको बताया था कि कौन जो विधि हमने किया था मूल्यानुपात, आज हम मूल्यानुपातों की माध्य विधि से याद करेंगे। इसमें जब केवल एक वस्तु हो या तब कीमत सूचकांक वस्तु की वर्तमान अवधि की कीमत तथा आधार अवधि की कीमत का अनुपात होता है। आप लोग को हमने बताया था कि वर्तमान को वर्तमान अवधि जो होती है उसको P1 से दर्शाते हैं और जो आधार वर्ष होती है उसको P0 से दर्शाते हैं। तीसरे से हमने देखा था कि प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और साथ ही साथ मूल्य अनुपात के माध्य परिकलन विधि से मूल्य अनुपातों के जो औसत होते हैं, औसत या माध्य का प्रयोग तब करती है जब वस्तुएं अधिक होती हैं या मूल्यांकन प्रयोग करने में सूचकांक को परिभाषित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसा हमने बताया P01 बराबर 1/N है, फिर सिग्मा P1/P0 गुना 100। इसमें आप देखेंगे P1 तथा P0 क्रमशः वर्तमान अवधि है। जैसा हमने बताया कि P1 क्या है, वर्तमान अवधि है, और P0 जो है वह क्या है, आधार वर्ष है, आधार वर्ष है ना। तो इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, लिखते हैं जैसा ये दिया हुआ है। फिर अनुपात में P1/P0 गुना 100 को वस्तु का मूल्य अनुपात कहा जाता है। किसको, ये जो दिया हुआ है सूत्र, इसको मूल्य अनुपात कहा जाता है। और N जो है वह क्या है, वस्तुओं की संख्या है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि जो संख्या हमने पहले जो देखे हुए थे उसमें आप देखेंगे P01 बराबर 1/4, मतलब ये चार जो हमें क्या दिए, वस्तुओं की संख्या जो दी हुई थी 1, 2, 3, 4, वो 1/4 दिया हुआ है। दो थी वर्तमान और कौन सी अवधि है, आधार वर्ष। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि P1 ऊपर जो दिया हुआ है वह क्या है, वर्तमान है, और नीचे जो दिया है वह आधार वर्ष है। इस तरह से हमने इसको किया तो यहाँ गुणा 100 बराबर हमारा उत्तर कितना आ गया, 149 आया। फिर इसी तरह से वस्तुओं की कीमत में 49% की वृद्धि हुई। फिर मूल्यांकन में भारित सूचकांक जब हम ज्ञात करेंगे, भारित सूचकांक माध्य जो होता है, भारित में आप लोग देखेंगे कि यहाँ सिग्मा के साथ क्या लग गया है, डब्लू लग गया है। डब्लू क्या दर्शा रहा है, वेट को दर्शा रहा है। तो इस तरह से भारित समांतर माध्य होता है इसी प्रकार परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर डब्लू जो है वह भार है, ये दिया हुआ है, आप लोग देखिए जैसा हमने बताया। तो उसका सूत्र क्या है, P01 बराबर सिग्मा W, फिर कोष्टक के अंदर P1/P0 गुना 100/σw, मतलब जो भार होगा, जो संख्या दी हुई वह आएगी। फिर अब देखेंगे भारित मूल्यानुपात जो सूचकांक के भारों का निर्धारण जो है, आधार वर्ष में कुल व्यय उन वस्तुओं पर किए गए व्यय के अनुपात में प्रतिशत द्वारा, अनुपात अथवा प्रतिशत द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसमें यह वर्तमान अवधि के लिए भी हो सकता है और इसका जो प्रयोग करेंगे वह सूत्र पर भी निर्भर करता है। अनिवार्यतः हम यहाँ पर कुल व्यय के विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय के मूल्यांश होते हैं, मतलब जो हम वस्तुओं पर व्यय करते हैं उसका मूल्यांश जो होता है उसको हम लेते हैं। फिर सामान्यतः आधार अवधि का भार क्या है, फिर वर्तमान अवधि के भार क्या है, इसकी अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष भार का परिकलन जो है असुविधाजनक होता है। आप लोग देखते होंगे कि वस्तुओं के मूल हमेशा क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं या वजन के अनुसार भी उनके मूल में परिवर्तन होता रहता है, जिसे विभिन्न टोकरियों के परिवर्तन मूल्य को भी दर्शाता है और तुलना योग्य नहीं होते हैं। क्योंकि यहाँ पर उदाहरण में हम देखेंगे कीमत सूचकांक को परिकलन करने के लिए आवश्यक सूचना की जानकारी देता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर जो भारित कीमत है ये आप लोग को दिया हुआ है, मूल्य अनुपातों की कीमत सूचकांक का परिकलन हमको करना है तो किस तरह से करना है। तो यहाँ पर P01 बराबर σw/, जो सूत्र हमने आपको बताया, इसमें आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर गुणा लिखा हुआ है। तो आप लोग यदि इसको जिस तरह से दिया हुआ है, ये यहाँ मूल्य अनुपात का भार दिया हुआ है, यहाँ ये दिया हुआ है, ये आधार वर्ष की वर्ष कीमत है और यहाँ पर आधार वर्ष का मूल्य है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 40 × 200, यदि आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी इसके यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ इससे क्या हो जाएगा, ये सारी संख्या जो है हमें कुल मिल जाएंगी। तो यहाँ पर 40 × 200, 30 × 120, 20 × 125, मतलब ये क्या है, ये आपस में क्या है, गुणा किए हुए हैं।
जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर जो है 156 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर भारित कीमत सूचकांक जो है 156 है और कीमत का सूचकांक जो है 56% बढ़ गया है और अभारित कीमत का सूचकांक तथा भारित कीमत सूचकांक के मानों में अंतर होता है जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते होंगे हमेशा जो पिछला और हम अभी का देखेंगे तो उसमें क्या है, उसमें अधिकतर वृद्धि ही होती है और महत्वपूर्ण मद जो होते हैं वो दुगुना होने के कारण होते हैं। इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये सूत्र है, सूत्र के अनुसार पर ये गणित दिया हुआ है, जिसको हम आसानी से उसको ये सूत्र के अनुसार हम आसानी से उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये आप लोगों को ग्रह कार्य दिया हुआ है, ये आप लोगों को करना है। इसमें आप लोग को निर्देशांक व सूचकांक जो कि हमने आपको बताया है उसको यहाँ पर इसको आधार वर्ष मानकर, इसके पिछले उसमें भी हमने एक गणित कराया था तो उसके आधार पर ही आप लोगों को गणित करने हैं। ये आप लोग देखेंगे ये दिया हुआ है, इसको आप लोगों को करना है।